हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स फॉर वेल्थ में। आज मार्केट कंडीशन ऐसी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे मार्केट डाउन होकर और अप हो गया। ऐसे केस में अभी आपने देखा होगा एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था और उसकी अलॉटमेंट भी आउट हो गई है। तो 16 मार्च को उसकी लिस्टिंग है। तो जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई हैं उनको उस लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको ओपन मार्केट से शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अभी तो जब आईपीओ आया था तो उस समय काफ़ी हाइप था इस आईपीओ का और लोग चाहते थे कि उन्हें अलॉटमेंट मिले। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिस हिसाब से मार्केट गिरी है, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है कि लोग ये सोच रहे थे कि अलॉटमेंट हमें ना मिले। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के आईपीओ के बारे में। पहले मैं कुछ आईपीओ की डिटेल्स बता देता हूँ। ये आईपीओ 2 से 5 मार्च तक खुला था। इसका जो भाव था 750 से 755 रुपीज़ पर शेयर था। 19 शेयर का लॉट था मिनिमम और इसकी लिस्टिंग होगी 16 मार्च 2020 को। एम्प्लॉय के लिए 75 रुपीज़ का डिस्काउंट था। एसबीआई जो बैंक है वो इसका प्रमोटर है। प्रमोटर की होल्डिंग इशू से पहले 74% थी जो कि अब घट के 69.5% रह जाएगी। इशू को बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। करीब इशू 26-27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी कैसी है। फंडामेंटली हम इसको पहले समझेंगे कि कंपनी कैसी है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कंपनी की असेट क्वालिटी कैसी है, कैसे रिटर्न रेशियोज़ हैं और वैल्यूएशन क्या है कंपनी की करंट में, और जिन लोगों को मिल गए उनको क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं क्या उनको खरीदना चाहिए लिस्टिंग के टाइम पे, वो हम बात करते हैं। तो अगर हम एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी का नाम है, जो कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है उसकी सब्सिडरी है। ये एसबीआई कार्ड सेकेंड लार्जेस्ट कार्ड इशूइंग कंपनी है। इसका 17.6% मार्केट शेयर है एज ऑफ 31 मार्च 2019। और अगर हम क्रेडिट कार्ड स्पेंड की बात करें तो 17.1% मार्केट शेयर है टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड में एज ऑफ 31 मार्च 2019। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ यह है कि एक तो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है, एचडीएफसी है सबसे पहले, उसके बाद एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद लीडिंग प्लेयर है मार्केट का, प्रमोटर वेल नोन है एसबीआई, तो एसबीआई की जो लॉयल्टी है वो इसको मिलती है, इतना सारा कस्टमर बेस है एसबीआई का वो इसको मिलता है। तीसरी चीज, लीडिंग पार्टनर हैं इसके जो, जैसे बीपीसीएल है, यात्रा है, आईआरसीटीसी है, ओला मनी है, इनके साथ लीडिंग ब्रांच के साथ इसकी पार्टनरशिप है। पांचवी चीज है कि कंपनी का जो असेट क्वालिटी है वो बहुत स्टेबल है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जिसमें जो रेवेन्यू का जो मिक्स है क्रेडिट और नॉन क्रेडिट, इस पर हम अभी आएंगे, वो भी रेवेन्यू मिक्स बहुत अच्छा है और रिटर्न रेशियो भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि इस तरह की पहली कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है, क्रेडिट कार्ड कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इसका बिजनेस मॉडल है क्या, क्रेडिट कार्ड कंपनी करती क्या है, ये हम समझते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है उसके रेवेन्यू दो तरीके से आता है, एक इंटरेस्ट इनकम और एक फीस इनकम। इंटरेस्ट इनकम कैसे आती है कि इंटरेस्ट इनकम ऐसे आती है कि अगर सपोज आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप उस क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है उस पर पेमेंट नहीं करते तो कंपनी इंटरेस्ट लगा देती है। तो जो इंटरेस्ट जो चार्ज करती है, या आप उस पेमेंट को रोल ओवर कर देते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए ले आते हैं, तो उस कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये जो इनकम होती है, एक तो ये इनकम होती है, ये इंटरेस्ट इनकम होती है, जो कि एनुअल चार्ज कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो 36-48% पर एनम होता है, तो बहुत हाई इंटरेस्ट होता है, तो ये एक मेजर इनकम होती है। सेकेंड जो इनकम होती है वो होती है फीस इनकम। फीस इनकम में इनके तीन तरह की फीस इनकम होती है। सबसे पहली इनकम होती है स्पेंड बेस्ड, यानी कि जो आप खर्चा करते हैं उसके बेस पर जो फीस कंपनी चार्ज करती है वो एक रेवेन्यू होता है कंपनी का। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी के जो नेटवर्क है, जैसे मास्टर कार्ड है या वीज़ा है, जो मर्चेंट्स होते हैं यानी दुकानदार जो होते हैं उनसे 1.5-2% वो चार्ज करते हैं, और उसका 70-80%
यानी करीब 1-2% जो है वो कंपनी को जाता है, यानी एसबीआई कार्ड को जाता है। तो एक तो ये स्पेंड बेस्ड इनकम हो गई इनकी, इसको कहते हैं इंटरचेंज फीस, ठीक है। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस। सब्सक्रिप्शन यानी कि जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ एनुअल चार्जेस देने होते हैं, या ये कार्ड जब रिन्यू कराते हैं तो एनुअली कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे, तो वो जो चार्ज होते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस होती है। तो एक ये इनकम होती है इनकी। तीसरी होती है इंस्टेंस बेस्ड फीस, यानी कि कोई इंस्टेंस ऐसी होगी, यानी कि आपने कार्ड की पेमेंट नहीं करी, आपने लिमिट ओवर कर लिया, आपने पेमेंट लेट किया, आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो कैश विड्रॉल के लिए वो फीस लेते हैं। तो इस तरह की जो फीस होती हैं वो भी इनका इनकम होता है। तो कंपनी के साथ ये अच्छी बात है कि इसका इंटरेस्ट और फीस दोनों का जो रेवेन्यू मिक्स है वो बहुत अच्छा है, करीब 40-60 का रेशियो है, 45-55 हम मान सकते हैं, इतना रेशियो है, तो बहुत अच्छा रेशियो है। तो ये तो हो गई बिजनेस मॉडल की बात। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3,346 करोड़ थे रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 17 में, जो कि 2019 में 7,000 करोड़ हो गए, जो कि अगर हम बात करें तो 44.6% की CAGR से ग्रो किए। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 373 करोड़ से बढ़ के 863 करोड़ हो गया 2017-2019 में, जो कि करीब 52.1% CAGR से ग्रो किया है। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात, रेवेन्यू की बात। अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड जो बिजनेस होता है, ये एक तरीके से लेंडिंग बिजनेस होता है, मतलब क्योंकि हम क्रेडिट दे रहे हैं तो एक उधारी दे रहे हैं हम दूसरे को, कस्टमर को अपने को, तो उसमें एनपीए होने का भी कुछ खतरा रहता है। लेकिन कंपनी के जो एनपीए बहुत ही डिसेंट एनपीए हैं। अगर हम बात करें इनके ग्रॉस एनपीए जो हैं मिनिमम 2.3% से मैक्सिमम 2.8% तक रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज के एनपीए जो हैं वो 2.5% के आसपास एनपीए हैं, तो बहुत ज़्यादा एनपीए नहीं है। अगर हम असेट क्वालिटी की ये असेट क्वालिटी होगी, तो असेट क्वालिटी जो है कंपनी की बहुत अच्छी है, अगर हम बाकी लोगों को देखें, बाकी बैंक्स को या एनबीएफसी को देखें। तो इसके अलावा हम बात करते हैं रिटर्न ऑन असेट की। कंपनी का जो रिटर्न ऑन असेट है वो इस क्लास में बहुत अच्छा रिटर्न ऑन असेट है, करीब 5% के करीब रिटर्न ऑन असेट कंपनी ने दे रही है। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 6-7 साल में कभी भी 25% से कम नहीं गया है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। आज हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की, क्योंकि जो इशू हुआ है वो करीब 755 पे इशू हुआ है। अगर 755 पे हम इशू को देखते हैं तो जो इसकी फॉरवर्ड अर्निंग है फाइनेंशियल 20 की, जो फॉरवर्ड अर्निंग है उसके 46% का पी आता है उस पर, तो इशू थोड़ा सा महंगा है अगर हम इसको देखें। और अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो करीब 15 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू है, तो थोड़ा सा महंगा है इशू। तो इसके हिसाब से अब बात करते हैं कि जिन लोगों को अलॉटमेंट आ गई है वो क्या करें, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं आई है क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जिन लोगों को अलॉटमेंट आ गई है, अगर उन्होंने केवल लिस्टिंग गेन के लिए लिया है, तो जिस दिन लिस्टिंग हो कुछ ना कुछ परसेंटेज उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। मार्केट कंडीशन धीरे धीरे, फ्राइडे को अच्छी मार्केट कंडीशन हो गई है तो हो सकता है मंडे को मार्केट अच्छा खुले तो उनको लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो लिस्टिंग बेच के अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। अगले 3-4 सालों में अगर हम मॉर्गन स्टेनली की बात करें तो उन्होंने इसको करीब 20% CAGR से क्रेडिट कार्ड मार्केट को ग्रो होना बताया है, तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको 2-3 साल के लिए रखना है तो आप होल्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों को फ्रेश लेना है, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं होती वो फ्रेश ले सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी ख़राब हो सकती है तो थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पे भी वो परचेज कर सकते हैं और 2-3 साल के लिए रख सकते हैं। इसके रखने के लिए हम 2-3 साल का जो हमारा टारगेट जो नज़र आ रहा है हमें, करीब 1250 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको इस तरीके से 2-3 साल में एक अच्छा गेन हो सकता है, एक अच्छा IPO है। थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो हमें कमेंट में कर सकते हैं, और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सकें। थैंक यू सो मच।